जनवरी माह में लगातार शीतलहर और कोहरे की वजह से आम जनमानस को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही थीं, लेकिन दो दिनों से मौसम कुछ खिला हुआ दिख रहा है। खिलखिलाती धूप से लोग काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि लगातार घने कोहरे से दो दिन में लोग काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। धूप निकलने की वजह से अभी भी मौसम पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार अभी 20 तारीख तक शीतलहर और कोहरा छाया रहेगा और मौसम फिर बदलेगा और ठंड अभी भी बरकरार रहेगी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अपने आप को लोग बचा कर रखें और घर से आवश्यकता पड़ने पर ही निकलें, अपनी गाड़ियों का हेडलाइट जलाकर चलें, ठंड से अपना बचाव करें। उन्होंने कहा कि अभी दो दिन बाद से और घने कोहरे लगने के आसार हैं, शीतलहर की संभावना और बढ़ सकती है। उसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा समुचित कार्रवाई पूरी तत्परता के साथ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि ठंड के दृष्टिगत समुचित कार्रवाई की जाए, शीतलहर से संबंधित कार्यों की बराबर निगरानी भी की जा रही है तथा कंबल वितरण और अलाव की व्यवस्था की जा रही है और रैन बसेरे भी क्रियाशील किए गए हैं। उन्होंने खिचड़ी मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग कृपया अपने आप को ठंड से बचाएं और सावधानियां बरतें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा। सही है कि मौसम थोड़ा सा खिला है इस समय, दिन में धूप भी पर्याप्त निकल रही है, लेकिन जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा और जो अन्य सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त है, तो अभी एक दो दिनों बाद से फिर से डेंस टू वेरी डेंस फॉग की प्रोजेक्शन किया गया है। तो ये संभावित है कि अगले एक आध दो दिनों के बाद से फिर से घने कोहरे की स्थिति उत्पन्न हो, शीतलहर की संभावनाएँ और बढ़ें। तो उक्त के दृष्टिगत जो समुचित कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, उसको पूरी तत्परता से किए जाने का निर्देश सभी एसडीएम साहबान को और तहसीलदार साहबान को और संबंधित डिपार्टमेंट्स को दिया गया है। प्रॉपर मॉनिटरिंग भी की जा रही है शीतलहर से संबंधित कार्यों की। तो वर्तमान समय में जिस तरीके से कंबल वितरण की भी कार्रवाई की जा रही है, अलाव जलाए जाने की भी कार्रवाई की जा रही है, रैन बसेरे भी क्रियाशील किए गए हैं, खिचड़ी मेले के दृष्टिगत समुचित व्यवस्थाएं नगर निगम और अन्य डिपार्टमेंट्स द्वारा किए गए हैं। तो इस तरीके से समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं। अभी हो सकता है कि अगले एक दो दिनों के बाद से हम लोगों को थोड़ी शीतलहर की फिर से देखना पड़े, तो निश्चित तौर पर उसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। जनता से ये अपील है कि खिचड़ी मेले का पर्व है और इस समय सभी लोग इसमें प्रतिभाग भी कर रहे हैं, तो इसमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए इसमें प्रतिभाग करें और जो भी जिला प्रशासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसका समुचित पालन करें, जिससे कि स्वयं और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखा जा सके।